In today's video, I am going to show you Dr. Morpin blood pressure monitor, or you can say all-in-one blood pressure monitor unit. So without further delay, let's get started. Hey guys, welcome back to my channel once again. थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बीपी मेजरिंग मॉनिटर आप लोगों को दिखाया था एंड काफ़ी अच्छे उस पर रिव्यूज़ भी आए हैं। तो आज भी मैं वैसे ही एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मेरे पास आज डॉक्टर मॉर्पिन का बीपी मेजरिंग यूनिट है। तो ये वाली बीपी मॉनिटर मशीन मेरे घर पर मेरे फादर मदर यूज़ करते हैं, और जो इससे पहले मैंने दिखाई थी वो मेरे इन-लॉज यूज़ करते हैं। जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उस वाली बीपी मशीन को भी यूज़ करते हुए एटलीस्ट 2-3 ईयर्स हो चुके हैं। तो जल्दी से शुरू कर लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि वो है कैसी। सो ये है डॉक्टर मॉर्पिन की बीपी मेजरिंग यूनिट, और इस वाली यूनिट को भी यूज़ करना बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। इसमें और उस वाली में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि ये वाली जो यूनिट है इसमें 60 डेज का आप बैकअप रख सकते हो, जबकि जो मैंने ओमरॉन की आपको दिखाई थी उसमें बैकअप की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। सो पहले मैं आपको इस बॉक्स पे बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेंशन करी गई हैं। ये वाला डॉक्टर मॉर्पिन की बीपी फुली ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर यूनिट है। ये WHO ब्लड प्रेशर इंडिकेशन मशीन है। कंफर्ट इन्फ्लेशन टेक्नोलॉजी के साथ है। एवरेजिंग ऑफ 3 रीडिंग्स, इरेगुलर हार्ट बीट्स का भी आपको अपडेट देगा। इसमें 60 बीपी की आपकी यूनिट्स आप स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मेमोरी वाला सेक्शन है उसमें एटलीस्ट 60 डेज का बैकअप आपको मिलेगा। और इसके बॉक्स पे जो प्राइस मेंशन किया गया है वो 1890 है, जबकि ओरिजिनल प्राइस इसका काफ़ी कम था, वो भी मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगी। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस भी इन्होंने मेंशन किए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेजरिंग का जो इसमें मेथड यूज़ हुआ है वो ऑसिलीमेट्रिक मेथड है। इसमें जो प्रेशराइजेशन है वो ऑटोमेटिक है। इसके जो पावर है, पावर के लिए आपको इसमें 4 बैटरीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो फटाफट से पहले मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ कि अंदर से लुक वाइज कैसी है, इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो इसके बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा एक आर्म कफ। इस आर्म कफ की लेंथ भी मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो कफ की लेंथ है वो 22 से 32 सेंटीमीटर तक आपको मिल जाएगी। एंड इसमें कुछ इमेज भी बनी है कि आपको किस तरह से इसको वियर करना है। एंड यहाँ पर एक कनेक्टर मिल जाता है जो मेन यूनिट में जाके कनेक्ट होगा, और एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर एक आयरन की रिंग मिल जाती है, जैसे कि सेम आपको ओमरॉन में मिलती है। उसके बाद आ जाती है हमारी मेन यूनिट। ये इसकी मेन यूनिट होने वाली है। बैक साइड में आपको बैटरी का यहाँ पर सेक्शन मिल जाएगा, आप इसको सिंपली ओपन करेंगे एंड यहाँ पर बैटरीज इंसर्ट करेंगे एंड इसको ऐसे ही क्लोज कर देंगे। बस इसमें जो बैटरी यूज़ हुई है वो छोटे साइज की बैटरीज है, एंड इसको यहाँ से मैंने ये बंद कर दिया है। इसके मेन यूनिट पे भी स्क्रीन पे जो इन्होंने ये मेंशन किया है, यहाँ पर सिस की रीडिंग है, यहाँ पर डाई की रीडिंग है, यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन आपको मिल जाता है, यहाँ टाइम एंड डेट भी आपको इसमें मिलेगी। एक यहाँ पर मेमोरी वाला सेक्शन है एंड यहाँ पर जो 2 मार्क दिए हैं इससे आप प्रीवियस रीडिंग्स अपनी चेक कर सकते हैं। इससे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के ये 2 बटन्स प्रोवाइड कराए गए हैं। आर्म कफ में ये जो प्लग दिया गया था ये डायरेक्ट आप इस वाली यूनिट में यहाँ पर प्लग इन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगी। सिंपली इसको ऐसे प्लग इन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगी। इसको भी यूज़ करने का मेथड सेम है, आपको रेस्ट पोजिशन में बैठना है, ये आर्म कफ आपको हैंड में वियर करना है एंड इसको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली इसका डेमो भी आप लोगों के लिए वीडियो में आगे डाल दूँगी। तो ये वाली बीपी मेजरिंग जो यूनिट मैंने आपको दिखाई है ये भी सिंपल एंड काफ़ी कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। डॉक्टर मॉर्पिन एंड ओमरॉन में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस था कि इसमें आपको मेमोरी का सेक्शन मिल जाता है, अदरवाइज़ हर चीज़ दोनों में सेम होने वाली है। दोनों इजी थी यूज़ करने में एंड काफ़ी ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है। नाउ मैं आपको एक बार ये भी दिखा देती हूँ कि मेजर कैसे करना है। आपको सिंपली पहले ये आर्म कफ अपने हैंड में वियर कर लेना है,
यहाँ पर मैंने भी ये आम कफ अपनी मदर के हैंड में अच्छे से टाई कर दिया है। एंड योर हैंड शुड बी इन रेस्ट पोजीशन, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड जो ये यूनिट है इसको भी मैंने एक स्टेबल प्लेस पर रख दिया है सो दैट कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। आप देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग्स चल रही है, इसमें सिस टाई एंड मेमरी एंड पल्सेस शो हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिस्टोलिक के सामने रीडिंग शो हो रहा है, डायस्टोलिक के सामने भी रीडिंग शो हो रहा है, जहाँ पर पल्स मेंशन है वहाँ उसके सामने पल्सेस शो हो रहा है। एंड ये जो मेमोरी वाला पार्ट है आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मेमोरी शो हो रही है। एंड ये जो एम एंड एस के बटन्स हैं इनसे आप अपनी पुरानी 60 डेज की रीडिंग्स चेक कर सकते हैं। सो आई होप आपके लिए आज की वीडियो यूज़फुल रही होगी। यूज़फुल रही होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहीं तक थी आज की वीडियो, मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।